बड़ी महारानी जी, मुझे लगता है दरबार का वातावरण ऐसा हो गया है कि प्रत्येक पुरुष स्वयं की श्रेष्ठता की बात कर रहा है। ऐसे में मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया है। कल वट सावित्री का व्रत है, त्योहार की तरंग भी है और उत्सव की उमंग भी, तो क्यों ना इस पावन अवसर को इस बार हम एक नई रीति और नए ढंग से मनाएं? वो कैसे पंडित रामकृष्णा? एक प्रतियोगिता का आयोजन करके। कैसी प्रतियोगिता? आज इस दरबार में उपस्थित सभी पुरुष स्वयं को श्रेष्ठ पति मान रहे हैं और भरे दरबार में घोषित भी कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें उन्हें अपने इस कथन का प्रमाण देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। पंडित रामकृष्णा, आप कहना क्या चाहते हैं? बड़ी महारानी जी, आप वट सावित्री के व्रत के पावन अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पति के प्रतियोगिता का आयोजन करवाइए। इससे सभी का मनोरंजन भी हो जाएगा और सभी को अपने अपने उत्तरदायित्व का आभास भी होगा। हम समझते हैं पंडित रामकृष्णा कि आप इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन क्यों करना चाहते हैं। इससे हो रही बहस का समाधान भी मिल जाएगा और स्त्रियों और पुरुषों के मध्य जो भ्रम है, जो असमंजसता है, उनके साथ साथ मतभेद भी समाप्त हो जाएंगे। अत्यंत ही उत्तम विचार है पंडित रामकृष्ण। कल वट सावित्री के त्योहार के इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पति कौन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और विजेता को राज्य की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये क्या, ये तो बहुत अच्छा किया महारानी आपने, सही अवसर पर उचित निर्णय लिया। महारानी जी, आपकी अनुमति हो तो हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। अवश्य। महारानी जी, अधिकांश समय हम अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं और कल वट सावित्री के व्रत के अवसर पर भी मैं विवश हूं, क्या कर भी उनके समीप नहीं जा पाऊंगा मैं, परंतु हमारा प्रेम उन दोनों के लिए अनंत है, अतः इसी प्रेम की भावना का प्रतीक मानकर हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दे, अनुमति दे। हमारे लिए वट सावित्री के व्रत का बड़ा महत्व है, प्रतिवर्ष हम भी अपनी दोनों धर्म पत्नियों के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, वो भी निर्जल। छोटी महारानी, सुदर्शन महोदय के इस कथन ने हमें महाराज की याद दिला दी। महाराज हमेशा हम दोनों के साथ वट सावित्री का व्रत रखा करते थे। सुदर्शन महोदय, आप विजयनगर से नहीं हैं, इसलिए आप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अयोग्य हैं। क्षमा कीजिए गुरुवर। सुदर्शन महोदय, अपनी पत्नियों के प्रति जो आपकी प्रेम भावना है, हम उसका सम्मान करते हैं और आपको प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति भी देते हैं। धन्यवाद महारानी जी। किंतु ध्यान रहे, कल महिलाएं ये निर्णय लेंगी कि आप सभी प्रतियोगियों में से सर्वश्रेष्ठ पति कौन है। हम चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की समस्त महिलाएं हमसे मंत्रणा कक्ष में आकर मिलें। हम आप सभी से इस प्रतियोगिता के संबंध में वार्तालाप करेंगे। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमलम्बा जी की जय। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमलम्बा जी की जय। पंडित रामकृष्णा जी, गुरुवर, क्या लाभ होगा इस प्रतियोगिता से? अब इसका आभास तो प्रतियोगिता पूर्ण होने के पश्चात ही होगा गुरुवर। हम हैं राजगुरु तथा आचार्य, इस प्रतियोगिता में हम ही विजयश्री होंगे और पुरस्कार भी हमें मिलेगा। ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करे गुरुवर। सेवक, आप हमारा एक संदेश सभी प्रतियोगियों तक पहुंचा दीजिए। उन सभी को उपवास रखकर इस प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। जी महारानी जी। और आप सभी महिलाओं को भी इस प्रतियोगिता की परीक्षा को गुप्त रखना होगा। प्रलय आ गया, प्रलय आ गया, बचाओ बचाओ प्रलय। स्वामी, प्रलय नहीं है, ये तो मात्र जल की बूंदे है। प्रातः हो गई है, इसलिए हम आपको जगा रहे थे। प्रातः हो गई? कैसे प्रातः हो गई? ये क्या है, सूर्य देवता आकाश पर है, अभी तक निकले ही नहीं। हम
ब्रह्म मुहूर्त है स्वामी, आज आप वर्षों बाद ब्रह्म मुहूर्त में जागे हैं। चलिए उठ जाइए और पूजा की तैयारी में हमारी सहायता कीजिए। पूजा की तैयारी क्यों? आप तो महान हैं स्वामी, प्रतियोगिता में चाहे कोई भी विजय हो, पुरस्कार चाहे किसी को भी मिले, परंतु हमारे लिए तो सदैव आप ही सर्वश्रेष्ठ पति रहेंगे। वो सब तो ठीक है, वरुण लाला ये बताओ प्रतियोगिता में क्या होने वाला है? धैर्य स्वामी धैर्य, वो तो आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। शीघ्र ही पता चल जाएगा, पता नहीं क्या करने वाली। क्या है अम्मा, आज रात्रि क्यों जगाया मुझे? अच्छा भोर हो गई है, बोलो क्या है? अम्मा प्रातः काल तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। मैं शारदा नहीं हूँ, मैं रामा हूँ, रामा। शारदा ने कुछ खाया नहीं होगा, अम्मा कैसे खाएगी? आज उसके वट सावित्री का व्रत है ना। अच्छा छोड़ो, वो जल दो, बड़ी प्यास लग रही। मुझे भी उपवास रखना है। अच्छा हाँ, वो कल रात सेवक आया था ना, जिसने बताया था कि किसी भी प्रतियोगी को खाना पीना नहीं है और उपवास रखना है। हाँ हाँ, निर्जल उपवास रखना है, रख लूंगा उपवास। नहीं जाओ, नहीं जाओ। मुझे तो लगता है ये प्रतियोगिता का सुझाव देकर मैंने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है। वाह वाह, आज तो वरुण माला ने भोजन से पहले भजन करवा दिया है। धन्यवाद प्रभु, इस स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। आहा स्वामी, आप ये कहे नहीं कर सकते। वरुण माला, तुम्हारा इतना दुस्साहस? दुस्साहस नहीं स्वामी, आपको पाप से बचाने का प्रयास। आपको स्मरण नहीं, आज आपको निर्जल उपवास है। हाँ, आज आपको दरबार बिना भोजन ग्रहण किए ही जाना है। सर्वश्रेष्ठ पति कौन की प्रतियोगिता के लिए? ये लो धनी होनी, स्वामी के नाम का संकल्प लेकर इस भोजन को उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करना। आज इस रसोई में जितना भी भोजन बना है मात्र तुम दोनों के लिए है, स्वामी तो इसे ग्रहण भी नहीं कर सकते। और आवश्यकता हो तो बता देना पुत्रो। निर्जल व्रत जल भी ग्रहण नहीं कर सकते, हे प्रभु कैसे करेंगे? स्वामी आप ही को करना पड़ेगा, यदि इस व्रत में कोई भी त्रुटि हुई तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित? जी स्वामी। कैसे? एक माह का निर्जल उपवास। क्या? जी। पंडित रामकृष्ण, हम ये पूछना चाहते थे कि प्रतियोगिता किस प्रकार से आयोजित होने वाली है और विजयी कौन होगा? देवर, ये तो मुझे बिल्कुल ज्ञात नहीं कि ये प्रतियोगिता किस प्रकार आयोजित की जाने वाली है। ये अवश्य ज्ञात है कि प्रतियोगिता में विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण उसमें प्रामाणिकता और उत्साह से भाग लेना होता है। सत्य कथन है आपका पंडित रामकृष्ण, परंतु यदि हमें युद्ध कला प्रस्तुत करने को कहा गया तो उसमें तो हम निपुण हैं, परंतु यदि हमसे कोई पहेली पूछी गई तो हम तो सोचते ही रह जाएंगे। मंत्रीवर, सर्वश्रेष्ठ पति कौन की प्रतियोगिता है, इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन तो होने से रहा। हाँ, पहेली अवश्य पूछी जा सकती है। क्या पंडित रामकृष्ण, प्रसन्न होने का संपूर्ण अवसर है आपके पास, क्योंकि पहेली कैसी भी क्यों ना हो आपके पास उसका हल अवश्य ही होगा। गुरुजी, प्रतियोगिता है गुरुजी, ध्यान से सुनिएगा। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे विचार विमर्श कर लेना। शांत रहो, प्रातः से कुछ खाया नहीं, क्षुधा से परेशान मनुष्य को पूरियां चाहिए, प्रतियोगिता नहीं। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमल अम्बा पधार रही है। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमल अम्बा जी की जय। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमल अम्बा जी की जय। आप सब
आपकी उपस्थिति और सर्वश्रेष्ठ पति कौन प्रतियोगिता के लिए आप सभी का उत्साह देखकर हमें प्रसन्नता हुई। आप सभी का इस प्रतियोगिता में सहर्ष स्वागत है। सारे पुरुष ये जानने के लिए व्याकुल होंगे कि ये प्रतियोगिता क्या है और किस प्रकार होगी। परंतु कल हमने एक नियम बताया था कि सभी प्रतियोगियों को निर्जल उपवास रखना होगा। हमें आशा है कि आप सब ने उस आदेश का पालन किया होगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज वट सावित्री का पूज्य दिन है, तो संध्या काल में प्रतियोगिता पूर्ण होते ही सब अपना व्रत खोलेंगे। क्षमा कीजिए महारानी, हमारे मन में एक प्रश्न है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम पुरुषों से ये व्रत रखने के लिए आग्रह क्यों किया गया। यह तो स्त्रियों का सामाजिक दायित्व है, उन्हें निभाना चाहिए। गुरुवर, शास्त्रों के अनुसार तो व्रत रखना हर किसी के लिए लाभकारक है, मात्र धार्मिक भावना से ही नहीं अपितु शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है। इससे सारे प्रतियोगियों को मन की शांति मिलेगी और प्रतियोगिता के मध्य आलस्य का अनुभव भी नहीं होगा। उच्च विचार। रानी जी, आपकी बात का समर्थन करते हैं। हम भी विचार कर रहे थे कि हमारी पत्नियां हर वर्ष हमारे अच्छे जीवन के लिए, दीर्घायु के लिए कितने व्रत रखती हैं। कठिन कार्य है, परंतु वो हंसते हंसते कर लेती है। तो हमें लगा हमें क्यों प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के लिए व्रत रखना चाहिए। ऐसे भी व्रत रखने से ही उससे जुड़ी हुई भावना की अनुभूति होती है, ये हमारा विचार है। महारानी जी, मैं सुदर्शन महोदय के कथन से पूरी तरह से सहमत हूँ। जब पत्नियां अपने पतियों के लिए निरंतर व्रत रख सकती हैं, तो पुरुषों को भी कभी उनके लिए व्रत रखने में कष्ट नहीं होना चाहिए। हमें तो बहुत कष्ट हो रहा है। सुदर्शन महोदय, पंडित रामकृष्ण, हमें आपके विचार जानकर प्रसन्नता हुई और अब हम प्रतियोगिता के आयोजन और उसके विवरण की घोषणा करते हैं। प्रतियोगिता 3 चरणों में विभाजित है। पहले चरण में जो प्रतियोगी सफल होंगे वो दूसरे चरण में जाएंगे। दूसरे चरण को जो सफलता पूर्वक निभाएंगे वो तीसरे और अंतिम चरण में जाएंगे। किंतु जो प्रतियोगी अंतिम चरण में विजेता बनकर उभरेंगे, उसे पुरस्कार स्वरूप विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ पति होने का गौरव तो मिलेगा ही, साथ ही प्राप्त होगी 1,000 स्वर्ण मुद्राएं। इस प्रतियोगिता की रूपरेखा हम दोनों महारानियों ने महिला मंडल के साथ मिलकर बनाई है। इसका पहला चरण पंडित रामकृष्ण के घर से आरंभ होगा। अम्मा की देखरेख में प्रतियोगिता के पहले चरण की सारी व्यवस्था वही की गई है। पंडित रामकृष्ण के घर से क्यों महारानी? अब पंडित रामकृष्ण के घर से करेंगे तो पंडित रामकृष्ण को तो सुविधाएं मिल जाएगी। सुविधाएं मिल जाएंगी तो बढ़त मिल जाएगी नहीं? क्या है? जब देखो लाठी दिखाती रहती है। ऐसा भय ना रखें गुरुवर, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। वो मात्र पंडित रामकृष्ण का ही घर नहीं है, वो हमारी मंत्रिमंडल की सदस्य धर्म मंत्री अम्मा का भी है। स्वामी, आप लेश मात्र भी चिंतित ना हो। पहले चरण की व्यवस्था ही कुछ ऐसी की गई है। कार्य भी ऐसा निर्धारित हुआ है जिसमें प्रतियोगी की सफलता उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी, ना कि किसी के निवास स्थान पर। अरे मर जाएंगे हम वरुण वाला। तो प्रतियोगिता के प्रथम चरण के लिए हम सब पंडित रामकृष्ण के घर की ओर प्रस्थान करते हैं। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमलम्बा जी की जय। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमलम्बा जी की जय। अब देखते जाओ पंडित रामकृष्णा, इस प्रतियोगिता को जीत कर हम तुम्हारे सम्मान का हरण करेंगे। हमारे घर की ऐसी दशा किसने की? क्या? अरे अम्मा क्या बोल रही हो ये? अरे पंडित रामकृष्ण, अम्मा को समझा रही है, समझिए।
वो कह रही है भूल हो गई है, भूल से हम किसी कबाड़ खाने में आ गए हैं। निकलो यहाँ से, तो निकलो। रुकिए गुरुवर, यही प्रतियोगिता के प्रथम चरण की दिशा है। दिशा तो दशा है। और ध्यान रहे, तीसरे चरण के अंत में विजेता घोषित किया जाएगा, परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक चरण में सफल होने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कुछ भी हो, ये प्रतियोगिता जो है पुरस्कारों से भरी पड़ी है। जी गुरुवर, परंतु इसे आरंभ करने से पूर्व आप ये बताइए कि गुरु माता का सबसे प्रिय व्यंजन क्या है। वरुण माला को बहुत से व्यंजन पसंद हैं, जैसे पूरी, सब्जी, लड्डू, मिष्ठान, पायसम। तो आज आप ये सारे व्यंजन हम सब ग्रहण कर लेंगे। नहीं, बनाएंगे गुरु माता के लिए और उन्हें खिलाएंगे भी। हम बनाएंगे कैसे? जैसे प्रतिदिन वो आपके लिए बनाती है। परंतु स्वामी, आपने ये सब क्या कह दिया? हमको तो अत्यधिक पसंद सिर्फ रसम है। हाँ, ये सच है। उचित है गुरुवर, तो आप इन सभी व्यंजनों के साथ गुरु माता के लिए रसम भी बनाएंगे। पंडित रामकृष्ण जी, आपकी पत्नी का प्रिय व्यंजन क्या है? अम्मा, शारदा का सबसे प्रिय व्यंजन क्या है? ये लड्डू तो तुम्हारा प्रिय व्यंजन है, शारदा का प्रिय व्यंजन क्या है? पंडित रामकृष्णा जी, इतना विलंब? अब वो क्या क्या कहूँ महारानी जी, स्मरण नहीं आ रहा। क्या है कि आज तक केवल शारदा ही मुझसे पूछती रही कि आज आपके लिए क्या बनाऊं, आप क्या खाएंगे। मैंने तो कभी उसे कुछ पूछा ही नहीं, किंतु आपने अच्छा प्रश्न किया। शारदा का प्रिय व्यंजन, हाँ, स्मरण आया मुझे, शारदा को केले की सब्जी अति प्रिय है। तो आज आप यही बनाइए। और सुदर्शन महोदय, आप? हमारी धर्मपत्नी को तो करेले लाकी। क्या कहा? पायसम, पायसम पसंद है उसको, संतुलित है। प्रतियोगिता का प्रथम चरण है गृहस्थी। प्रत्येक प्रतियोगी के कार्य क्षेत्र को बराबर भागों में बांटा गया है। आप सभी पुरुषों को घर के समस्त कार्य करने होंगे, जैसे साफ सफाई, कपड़ों की धुलाई, बर्तन मांजना। उसके उपरांत आप सभी को अपनी पत्नियों के प्रिय व्यंजनों को अपने हाथों से बनाकर उन्हें स्वयं खिलाना होगा। इन व्यंजनों को बनाने हेतु सभी प्रतियोगियों के लिए अलग अलग चूल्हे की व्यवस्था की गई है। सभी गृहस्थी का कार्य एक प्रहर में ही समाप्त हो जाना चाहिए। हम सभी महिलाएं प्रतियोगिता का निरीक्षण करेंगी और प्रत्येक चरण के अंत में ये घोषित करेंगी कि उस चरण में कौन से प्रतियोगी उत्तीर्ण हुए हैं। और धनी मनी सभी पर अपनी दृष्टि रखेंगे कि कहीं कोई प्रतियोगी नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। महारानी चिन्ना देवी, क्या अब हमें खाना बनाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा? क्या अब यही हमारा अस्तित्व रह गया? महारानी, क्या इस चरण और कार्य पर उन्हें विचार नहीं हो सकता है? गुरुवर, हमारी धर्मपत्नी आजीवन बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन ये कार्य करती है, और बात केवल साफ सफाई की नहीं, बात है स्वच्छता की। हमारी धर्मपत्नियां हमारा घर स्वच्छ रखती है तो हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो क्या आप इस तर्क से साफ सफाई करना, स्वच्छता रखना, गृह के कार्य करना कुछ कार्य हो क्या? नहीं नहीं, ये तो महान कार्य है और हम महानता से कपड़े धोएंगे। सुदर्शन महोदय, आपने सही अर्थ में इस चरण को समझा है, हमें आपके विचार जानकर प्रसन्नता हुई। प्रतियोगिता का प्रथम चरण अब इसी घड़ी से आरंभ होता है, जो ठीक एक प्रहर तक चलेगा। एक क्षण रुकिए, इन वस्तुओं को कहाँ रखूं मैं? आप तक कक्षी मार रख दीजिए। हाँ, वो उचित है, शारदा भी वहीं रखती थी। आ,
सुदर्शन महोदय, आपको उस स्थान के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? आप तो आज मेरे घर में प्रथम बार आए हैं ना?